हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करूंगा आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे कि थंबनेल आपने देख ही लिया होगा, अगर आप एमए या एमएससी मैथमेटिक्स के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो जब भी आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये कि इस वीडियो में हम आपको एमए और एमएससी मैथमेटिक्स के बारे में जो भी धारणाएं लोगों ने फैला रखी हैं या जो भी आप नहीं जानते वो सारी कुछ प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। कोई भी इन्फॉर्मेशन हो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, जो इस वीडियो में कवर भी हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चन आप कमेंट करके पूछ सकते हो, फेसबुक पेज या फेसबुक ग्रुप या इंस्टाग्राम पर जाके पूछ सकते हो। मैं आईडी मेंशन में आपको डिस्क्रिप्शन में कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट का या बहुत सर्चेबल टॉपिक है, मैं खुद भी अपनी सर्च लिस्ट में देखता रहता हूँ या कमेंट मेरे पास आते हैं कि सर मेरे को बताइए एमए और एमएससी मैथमेटिक्स में अंतर क्या होता है और कौन इन्हें कर सकते हैं और कौन इन्हें नहीं कर सकते। तो सबसे पहला तो देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे आपकी सेम बीए मैथमेटिक्स होती है, बीएससी मैथमेटिक्स होती है, देखो जो बीए मैथमेटिक्स होती है उसके बाद होती है एमए मैथमेटिक्स। काफी बार कमेंट ये आता है कि मेरे को ये बताओ कि सर मैंने बीए मैथमेटिक्स किया है, क्या मैं एमएससी कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। तो सबसे पहले ये जान लो, जो बीए मैथमेटिक्स है वो करेंगे एमए मैथमेटिक्स, और जो बीएससी मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट होंगे उनके लिए है आपकी एमएससी मैथमेटिक्स। क्लियर ये वाली बात? मतलब जो आपकी एमए मैथमेटिक्स होती है वो इक्विवेलेंट होती है आपके एमएससी मैथमेटिक्स के। जो एमए मैथमेटिक्स होती है वो एमएससी मैथमेटिक्स के इक्विवेलेंट होती है, ठीक है, ये जान लीजिए। फिर कि सर मेरे को ये बताइए हम पीजीटी का एग्जाम दे सकते हैं नहीं दे सकते, जेआरएफ नेट वगैरह के एग्जाम दे सकते हैं नहीं दे सकते। तो पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है आप हर एग्जाम को दे सकते हैं। फिर सर मेरे को ये बताइए कि रिस्ट्रिक्शंस कहाँ होती हैं, कि एमए मैथमेटिक्स के साथ रिस्ट्रिक्शंस कहाँ देखने के लिए मिलते हैं, कि कहाँ कौन सा एग्जाम में नहीं दे सकता। बेसिकली आप लगभग सभी एग्जाम दे सकते हैं, जितने भी एमएससी वाले एमएससी मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट जितने वो दे सकते हैं उतने ही आप ही दे सकते हैं। पर बेसिकली काफी बार किसी गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन ऐसा आता है ना कि वहां आपको बोला जाता है कि भाई एमएससी मैथमेटिक्स बंदा होना चाहिए, तो वहां आप इलिजिबल नहीं है, क्योंकि जो ये कोई अलग से स्ट्रीम नहीं है, स्ट्रीम आपका सेम ही है, जो आर्ट्स स्ट्रीम आपका आर्ट्स ही लगेगा हर जगह। जितने भी बीए मैथमेटिक्स एमए मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट हैं उनका स्ट्रीम हमेशा से ही आर्ट लगेगा। आ रही है बात समझ में? बीएससी और एमएससी वालों का लगेगा पीसीएम। तो केवल एक कॉमन इतना अंतर है, नहीं तो देखो अगर मैं बात करूं मार्किंग की, तो जो बीएससी मैथमेटिक्स होती है वो सॉरी एमएससी मैथमेटिक्स होती है वो आपकी देखो पर सेमेस्टर 600 मार्क्स की होती है, तो सेम उसके हाफ मार्क्स हो जाएंगे आपके एमए मैथमेटिक्स में। भाई जैसे बीए मैथमेटिक्स में बीएससी मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा कि सेम ही दिन एग्जाम है, सेम ही हम बुक पढ़ रहे हैं, सेम ही हमारा सिलेबस है, तो वहां भी अंतर क्या होता था कि जो आपका एमएससी मतलब जो आपका एग्जाम मान लो 200 मार्क्स का, तो वो हाफ मार्क्स का हो जाता था। कितने मार्क्स का हो जाता था? हाफ मार्क्स का हो जाता था। तो जैसे यहां सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में अगर देखोगे आप एमएससी मैथमेटिक्स जो पूछी जाती है 600 मार्क्स की पूछी जाती है, तो सेम एज इट इज वहां एमए मैथमेटिक्स 300 मार्क्स की, मतलब हाफ हो जाता है। पेपर भी एक ही दिन होगा, बुक्स भी आपको वही पढ़नी होगी, सिलेबस भी आपका वही होगा, सारी चीज आपकी सेम होगी। पीजीटी का आप एग्जाम भी दे सकते हो एमए मैथमेटिक्स के बाद, एमएससी मैथमेटिक्स दोनों के बाद आप पीजीटी का भी दे सकते हो, जेआरएफ का भी दे सकते हो, आप नेट का भी दे सकते हो। आ रही है बात समझ में? आप गवर्नमेंट टीचर की भी तैयारी कर सकते हो, हर फील्ड में आप इलिजिबल हो। कुछ बेसिक्स फील्ड होंगे जहां पे इलिजिबल नहीं होंगे, जहां नोटिफिकेशन में यह बोला जाएगा कि भाई एमएससी मैथमेटिक्स ही मेरे को मेरी प्रायोरिटी है, तो मेरा कि एमएससी मैथमेटिक्स बंदा होना चाहिए, है ना, जहां मेंशन ही मेरे को ये किया गया है। नहीं तो काफी बार नोटिफिकेशन में आप ऐसे देखोगे एमए स्लैश करके एमएससी की कोई भी हो, मतलब कोई से भी सब्जेक्ट से एमए, क्योंकि आती है मास्टर डिग्री में। किसमें आती है? मास्टर डिग्री में, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये धारणा निकाल लो कि एमए मैथमेटिक्स हमारी हो सकती है नहीं हो सकती। अब बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि किन किन कॉलेजेस में अवेलेबल है, कि सर हमारे पास नहीं, तो ये चीज आपको कॉलेज में जाकर पता करनी पड़ेगी। जैसे मैं सीसीएस यूनिवर्सिटी की बताऊं, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जो मेरठ में पड़ता है, उसमें ये कोर्स बिल्कुल अवेलेबल है। जैसे आपकी एमएससी मैथमेटिक्स होती है ऐसी आपकी एमए मैथमेटिक्स। पर वहां भी एक चीज देखो है, वहां ये चीज है कि जैसे बहुत सारे कॉलेजेस में ये कोर्स अवेलेबल है, मतलब एमए जो होती है मैथ्स हो भी जाती है, और बहुत सारे कॉलेज में नहीं भी होती। तो ये एक जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तरफ से जो इनका जो थोड़ा क्राइटेरिया है ना, ये कि बहुत सारे कॉलेज में अवेलेबल है बहुत सारे कॉलेज में नहीं है, तो इसमें कॉलेज की जिम्मेवारी है, यूनिवर्सिटी की है। आर्य बात समझ? बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में नहीं हो सकती और बहुत सारी यूनिवर्सिटी में हो भी सकती है, तो ये आपको अपने स्तर पर जाके पता करना पड़ेगा। और बेसिकली अगर आपको पूछना है तो कमेंट में पूछो, मैं सर्च कर
करूंगा या खुद भी अगर मेरा जाना पॉसिबल हो तो मैं ये चीज पता भी करूंगा, ठीक है। बट आपको कोई भी मतलब कोई भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग तो आपको पूछना है, क्योंकि मैंने खुद ये चीज देखा कि मतलब ज्यादातर भी किसी भी यूट्यूबर ने या कोई भी मतलब गूगल पर विकिपीडिया पर ज्यादा इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन है नहीं कि मतलब बीए मैथमेटिक्स बीएससी मैथमेटिक्स के बारे में या एमए एमएससी मैथमेटिक्स के बारे में। सब ये तो जानते कि बीएससी एमएससी होती है मैथ फील्ड से, पर बहुत बंदे ये नहीं जानते कि एमए या बीए भी मैथमेटिक्स से होती है, ठीक है। अब देखो काफी बच्चे का ये भी डाउट आता है निकल के कि सर मेरे को ये बताइए, मेरे को पांचवी तक का टीचर बनना है, मेरे को नौवीं या दसवीं तक के टीचर बनना है, कि मेरे को बताइए बीए मैथमेटिक्स या एमए मैथमेटिक्स के बाद मैं बन सकता हूँ नहीं बन सकता। तो देखो सबसे पहला क्या होता है, यहाँ दो तीन चीजें होती है। यहाँ क्या होता है, जैसे आपने बीए मैथमेटिक्स करी और फिर आपने करी एमए मैथमेटिक्स, तो वहां पीजीटी का दे सकते हो, वहां बीएड की कोई आवश्यकता नहीं होती। अब जैसे आप टीजीटी का दोगे या प्राइमरी टीचर का दोगे या जूनियर टीचर का दोगे, है तो वहां क्या होता है, वहां आपका सेम एज इट इज क्या होता है, वहां आपका बीएड होना चाहिए, और बीएड में आपके पास दो जो आप पेडागोजी सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो वो आपके पास होने चाहिए। और मेनली जो उनका फोकस होता है वो ये होता है कि ग्रेजुएशन में अगर आपके पास मैथ रही है या कोई अगर और सब्जेक्ट आर्ट साइड का रहा है और उनका कॉम्बिनेशन रहा है, कॉम्बिनेशन की बात होती है, बहुत सारे कॉलेजेस में कॉम्बिनेशन अवेलेबल नहीं हो पाते और बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कॉम्बिनेशन अवेलेबल होते हैं। तो ये चीज आपको कॉलेज में पता करनी पड़ेगी, अलग अलग कॉलेज में थोड़े थोड़े अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं। अब देखो जैसे मान लो किसी ने बीए मैथमेटिक्स करी है और उसे पांचवी तक का टीचर बनना है, आठवीं तक का टीचर बनना है या नौवीं दसवीं का टीचर बनना है, तो सेम एज इट इज देख लीजिए। मैं आपको बता दूं, जैसे आपके पास ग्रेजुएशन मैथ रही, पॉलिटिकल साइंस रही, इकोनॉमिक्स रही, तो वहां क्या होगा, एक आपका मैथ्स मिल जाएगा और मैथ्स के साथ में एसएसटी से जुड़ा हुआ कोई भी सब्जेक्ट, जैसे वो सब्जेक्ट भी आप ले सकते हो जो आपने एक्सटर्नल के रूप में किसी भी तीनों साल में कोई सब्जेक्ट थोड़ा सा भी पढ़ा हो। आ रही बात समझ में? जैसे मैं आपको बताऊं, मैथ्स के साथ हिंदी का कॉम्बिनेशन भी हो जाता है, मैथ्स के साथ फिजिकल एजुकेशन का कॉम्बिनेशन भी हो जाता है, मैथ्स के साथ आपका एजुकेशन जो आपकी शिक्षा शास्त्र होती है उसका कॉम्बिनेशन भी हो जाता है। पर यह चीज आपको जाकर पता करनी पड़ेगी। आ रही बात समझ में? तो कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, वो आपको पूछना है। देखिए मैंने ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो में आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करे हैं और बेसिकली मैंने आपको बीए बीएससी मैथमेटिक्स के साथ साथ एमए एमएससी के बारे में भी पूरा खुल के बताने की कोशिश करी है। बाकी देखो इसमें आने वाले टाइम में कुछ चेंजेस हुए तो उसके लिए आपको नई वीडियो चैनल पे अप टू डेट आपको मिलती रहेगी। अगर ऐसी इंफॉर्मेशन चाहते हैं कोई भी आप, तो हमारे चैनल से जुड़े और बैक टू बैक चैनल को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए, बी ए बी एस सी या एम ए एम एस सी मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताइए और कोई भी क्वेश्चन होता है वो भी पूछिए, ठीक है। और चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बैक टू बैक मिलते रहे। और मैं भविष्य में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरा इस चैनल का मेन मोटिव यही है। तो धन्यवाद।